तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे ले ऑफ्स या रिसेशन या कट ऑफ के बारे में कि अभी जो जो टाइम चल रहा है इस टाइम का वो रिसेशन का टाइम चल रहा है। तो इसमें रिसेशन में होता क्या कि लोगों की जॉब्स जाती हैं, लोगों की सैलरी कम होती है, तो उसी के बारे में बेसिकली आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं पहले रिसेशन एक्चुअली में होता क्या है। रिसेशन ये होता है कि आप एक हिंदी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मंदी आना मार्केट में जॉब्स के लिए। तो उसमें होता क्या है कि एक्चुअली जो रिसेशन होता है क्या कि जो मार्केट में पैसा होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है जो जॉब्स के लिए या कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है उस टाइम क्या होता है कि जब रिसेशन आता है तो क्या करता है कि जब पैसा किसी एक मार्केट में, किसी एक कैपिटल मार्केट में या किसी दो कैपिटल मार्केट में या तीन चार कैपिटल जो मार्केट होते हैं, जो बहुत बड़े ब्रांड होते हैं अपने में, वो मार्केट वो पैसा जो होता है वो एक जगह स्टोर हो जाता है और पैसा वहाँ से वो निकलता नहीं है। फॉर सपोज मान लो कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं, इसके बाद आपने क्या किया कि 20 रुपए का कुछ और सामान खरीदा, 10 का कुछ और खरीदा, 50 का कुछ और खरीदा, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, मतलब अंडर 100 आपने अपनी शॉपिंग करी, वो चाहे आपने कुरकुरा खरीदा या कुछ भी, वॉट एवर मान लो आप 100 रुपए का। तो क्या होता है कि जो आपके पास पैसा है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग सेलर के पास, किसी शॉप पे किया, किसी पेट्रोल पंप पे किया, किसी होटल पे किया या कहीं भी आपने जो पैसा किया, तो वो क्या हुआ पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो मतलब उस टाइम रिसेशन नहीं चल रहा है। अभी क्या हुआ कि फॉर सपोज अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपने उसको अपने पास रखा है और उसको मार्केट में आप नहीं भेज रहे हो, या मार्केट में आप वो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, या मार्केट से कोई भी आइटम परचेस नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम क्या होगा वो रिसेशन आ जाता है। ये यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ 100 रुपये, जिससे आप समझ पाओ, बट वहाँ पे वो करोड़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो पैसा अपने पास स्टोर करके रखते हैं और वो मार्केट में नहीं आता है, इस वजह से वहाँ पे आ जाता है रिसेशन। अब बेसिकली रिसेशन में होता क्या है कि आपने देखा होगा कि फेसबुक, गूगल या बहुत सारी कंपनीज ने अपने अपने एम्प्लॉय को बाहर कर दिया है, जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो बहुत से आई थिंक अभी कुछ काउंट 16,000 के आसपास है फेसबुक का। तो मतलब बहुत जगह एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया है कंपनीज ने, बहुत जो अपने में बिग ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें होता क्या कि या तो आप किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी सैलरी डिडक्ट होके आती है, कि सपोज अगर आप 30,000 रुपये काम कर रहे हो तो हो सकता है आपको सैलरी पर मंथ 25,000 मिले, और जो जिनके पास कम काम रहता है, सपोज जहाँ पे रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 लोगों की और वहाँ पे 6 लोग हैं, तो हो सकता है उन 2 लोगों की जॉब्स भी वहाँ पे चली जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग को अपने से पता चलता है कि यार हाँ मेरी कंपनी में प्रियोरिटी है, या मैं कंपनी के लिए बहुत वैल्यूबल एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं नहीं रुकता हूँ तो ये चीज़ें रुक जाएंगी। तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि एटलीस्ट उनको कंपनी तो चलानी चलानी, ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी के एम्प्लॉय को उठा के उन्होंने बाहर कर दिया और कंपनी शट डाउन कर दी, तो ऐसा नहीं होता है। बट मोस्टली रिसेशन केस में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा होता है आपकी सैलरी डिडक्ट होती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम करते हैं या एम्प्लॉय को बाहर बहुत कम निकालते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी सैलरी का कुछ परसेंट आप कम आने लगेगा। अगर आप 30,000 पे हो तो आपको 25,000, अगर आपकी 3 लाख रुपए पर मंथ है तो हो सकता है आपको 2.5 लाख रुपए मिले। तो इस तरीके से रिसेशन वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, और ये रिसेशन कुछ टाइम के लिए रहता है, 6 महीने मिनिमम, अराउंड कुछ 6 महीने रहता है ये, 6 महीने 1 साल। तो इस टाइप ये रिसेशन ऐसा नहीं कि 15 दिन में, 20 दिन में, या 1 महीने में, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक चलता है, 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल या 2 साल, जब तक वो मार्केट वापस से वैसी नहीं बनती है। तो बेसिकली ये होता है रिसेशन। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।